हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पोएम, द क्राउन बाय पॉल किंग। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन जो पोएम के बारे में दी गई है उसको पढ़ के देखते हैं। दिस पोएम टेल्स दैट हाउ अ क्राउन फॉर्म्स आफ्टर गोइंग थ्रू वेरियस स्टेजेस। इसमें देखो पोएम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो एक क्राउन मुकुट बनता है वो किन किन अवस्थाओं में से निकलकर तैयार किया जाता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अर्थ ब्रॉट फॉर द रग गोल्ड, फायर एंड ब्लॉज मेड इट फाइन, एंड फ्रॉम द वॉटरी डेप्थ्स ऑफ सी अ मून राउंड पर्ल डिड सॉफ्टली शाइन। अब देखो जो स्टार्टिंग में हमें गोल्ड जो सोना मिलता है जिससे वो मुकुट तैयार किया जाता है वो बिल्कुल रफ फॉर्म में होता है, रग्ड होता है, रफ। जब माइन से गोल्ड निकाला जाता है तो खुरदरे रूप में वो हमें प्राप्त होता है, फिर उसको आग और धूकनी एक फाइन शेप देती है, मींस कि उसको आग में तबाकर शुद्ध किया जाता है। एंड फ्रॉम द वॉटरी डिपैथ्स ऑफ सी ए मून राउंड पर्ल डिड सॉफ्टली शाइन, और समुद्र की गहराइयों में चांद की तरह गोल और चमकने वाला मोती प्राप्त किया जाता है। एंड विद दैट गोल्ड एंड मून ग्लो पर्ल द क्राफ्ट एंड केयर ऑफ स्किलफुल हैंड्स फोर्ज्ड एंड फैशन्ड अ वंडरस क्राउन गिव द क्वीन वुड रूल दोज लैंड्स। अब उस गोल्ड और चांद की तरह चमकने वाले मोती को क्राफ्ट होता है कि कलाकारी, केयर ऑफ स्किलफुल हैंड्स निपुण या कुशल हाथों की सावधानी, और फोर्ज्ड एंड फैशन्ड अ वंडरस क्राउन, और इन सब चीजों के द्वारा फोर्ज्ड होता है उसको तपाकर एक विशेष प्रणाली द्वारा एक बहुत ही अच्छा ताज तैयार किया जाता है। किसके लिए? टू गिव द क्वीन वुड रूल दोज लैंड, उस रानी को देने के लिए जो उस धरती पर राज करती है, शासन करती है। द गोल्डन सर्कलेट ऑन हर हेड द क्वीन रूल्ड वेल एंड स्टेड फास्टली एंड नेवर फॉरगेट हर सब्जेक्ट्स टू नॉर अर्थ एंड फायर एंड विंड एंड सी। और पूरी मेहनत के बाद आग में तपाकर उसको उसमें मोती लगाकर स्किलफुल हैंड्स के द्वारा उसको तैयार करके वो रानी को दिया जाता है, और वो रानी जिसने बहुत अच्छा शासन किया और विश्वसनीय जिसकी शासन प्रणाली है वो उस ताज को अपने सिर पर धारण करती है। सर्कलेट राउंड बैंड, एक गोल बैंड के तौर पर उसको अपने सिर पर धारण करती है। और वो रानी कैसी है? वो ऐसी रानी है जो अपनी प्रजा को नहीं भूलती, ना तो वो अपनी प्रजा को भूलती है, ना धरती को, ना आग को, ना हवा को, ना समुद्र के, मींस कि वो हर चीज का ध्यान रखती है। ऐसी रानी के लिए एक क्राउन तैयार किया जाता है जो अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरकर एक सुंदर रूप लेता है और रानी उसको अपने सिर पर धारण करती है। ये थी इस पोएम की ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार आप इसको ध्यान से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।